हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि रली डिज़ाइन जो पार्ट टू है, इसका पार्ट वन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, अब मैं पार्ट टू शेयर करने वाली हूँ। तो पार्ट वन में ये है कि इसकी डिज़ाइन खाली बनाई थी और पार्ट टू में पूरी कम्प्लीट रली बनाई हुई। जिस किसी ने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पार्ट वन जाके देख के आए, फिर पार्ट टू देखे, ताकि उनको समझ में आ जाएगी सबसे पहले। और आप इसे कंप्लीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रली जो डिज़ाइन वाली बना के रखा था कपड़ा, वो सीधा उल्टा करके, जैसे उसकी राइट साइड को नीचे बिछाना है और रंग उल्टी साइड को ऊपर रखना है। ऊपर रख के उसके ऊपर ये छोटे छोटे कपड़े, जैसे हमारे लॉन के कपड़े होते हैं, उनको काट के इनमें सख्त सख्त चीज़ें जो हमारी कॉलर या हमारी पाइपिंग कहीं बनी हुई कहीं डिज़ाइन होती है, वो सारी निकाल के फिर ये काट के जहीं से इसे बिल्कुल सीधा करके फिर वो इसके ऊपर बिछाना है। इसके ऊपर बिछाना है जैसे इसके ऊपर छोटे छोटे हम बिछाते जाएंगे, इसके तीन लेयर बिछाएंगे। जैसे मैंने ये मैं बिछा रही हूँ, इसी तरह आप तीन लेयर बिछाने हैं और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा डालना है। ये तीन लेयर, लेकिन ये इतना नरम, ये लॉन के छोटे छोटे टुकड़े, आप पूरा, अगर आपके पास पूरा कपड़ा हो सीधा इतना, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे दुपट्टे हो तो दुपट्टे दो तीन डाल दीजिए, जैसे उनका तह तीन तीन लेयर डाल दीजिए। लेकिन मेरे पास ये लॉन के कपड़े मेरे फटे पुराने थे, तो उनको मैंने काट के रखा था, क्योंकि लॉन के कपड़ों का और कोई काम आता नहीं है। ये कपड़ा इतना नाजुक होता है, गर्मियों में पहना जाता है, बाकी बस इसे काट के ही किसी के अंदर ऐसे यूज़ किया जाता है, इसका और कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे यूज़ करने से हमारी रली भी नरम बनती है और अंदर से अच्छी भी, हमारा ये कपड़ा भी यूज़ हो जाता है। तो सब आप इस तरह तीन 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 लेयर डालेंगे ना, आप दो भी लेयर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तीन डाले। तीन इसीलिए ताकि कुछ मोटी हो जाए, मोटी इतनी भी नहीं होती, नॉर्मल होती है और अच्छी भी लगती है। तो ऐसा काम आप में से कोई कौन कौन करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। जो कोई भी इस तरह रली बनाता है तो वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस तरह रलियाँ बनाना बहुत ही आसान लगता है। और मैंने इनके चारों कोनों को नहीं सिलाई की, क्योंकि मैं खुला रख के फिर ऊपर से कपड़ा, जैसे ये कपड़ा डाला अब, तो इसके ऊपर से मैं बस कच्चे टांके लगाऊंगी। अब ये कच्चे टांके लगाऊंगी, जैसे कच्चे टांके लगते जाएंगे तो ये कच्चे टांके बड़े बड़े मैं लगाऊंगी, क्योंकि इससे मैं आगे चल के मैं मशीन पे सिलाई करने वाली हूँ। क्योंकि ये मशीन पे सिलाई इसलिए कि वो जल्दी हो जाएगा, हाथ पे अगर हम करेंगे तो छोटी छोटी सिलाई बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन वो हाथ पे बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब उसके लिए वेट करना पड़ेगा 15-20 दिन, जो रोज़ बनाता है ऐसा काम करता है उसके लिए तो 15-20 दिन भी कम ज़्यादा होंगे, लेकिन जो नहीं करता है उसके लिए तो ये 15 दिन क्या एक महीना लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम था। और जो हाथ से बनाते छोटे छोटे टांके लगाते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है, और बड़े बड़े टांके टूट भी जाते हैं, मजबूत भी नहीं होते। तो चीज़ जो भी बनाओ मजबूत बनती है तो कुछ दिन चलती है। वैसे भी पुराने कपड़ों का यूज़ भले करो, लेकिन इस तरह करो ताकि वो काम आ जाए, ऐसे नहीं कि वो यूज़ कर, वीडियो बनाने के लिए हमने यूज़ तो कर लिया, बाकी वो किसी काम का नहीं है। तो ये तरीका जो मैं कर रही हूँ ये काम का है। इस तरह आप करेंगे तो आपकी ना कपड़ा ज़ाया होगा, ना कुछ भी ख़राब होगा, ना इतनी जल्दी कोई टूटेगी चीज़, क्योंकि ये जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, इस तरह अगर मशीन से भी मैंने एक पहले भी मैंने बना के रखे हैं, तो वो टूटती नहीं है। 2-3 साल हो गए, 3 साल क्या 5-6 साल हो गए, लेकिन वो टूटती नहीं है। वो तो मैंने नेट की बनाई थी, लेकिन ये तो मैंने कपड़ों की बनाई है। तो इस तरह बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने इसमें कपड़ा यूज़ हुआ है, तीन पैंट्स लगी हैं, ब्लैक वाली और एक वाइट वाली शलवार, ग्रीन वाली कुर्ता लगा है। तो इतने ही कपड़े में ये सारा बन के रेडी हो गया। पीछे वाला कपड़ा मेरे पास पड़ा था, किसी रजाई का कवर था, तो वो मैंने डाल दिया। सारे पुराने कपड़े मैंने यूज़ किए, कोई भी इसमें न्यू कपड़ा मैंने नहीं यूज़ किया। और एक बहुत ही खूबसूरत बेडशीट, जैसे समझो बेडशीट ही बन के रेडी हो गई। गर्मियों में हमारे गद्दों पर गर्मी होती है,
और हम चादर बिछाते हैं तो थोड़ी ऐसे लगती है जैसे गद्दा गरम गरम लग रहा है, लेकिन ये रल्ली बिछा के सोते हैं ना तो बहुत ही मुलायम होती है। अब मैंने कच्चे टांके कर लिए तो अब आपको मशीन पे सिलाई लगाना दिखा रही हूँ। मैंने दो साइड, एक साइड मैंने लगा लिए सीधे टांके ऐसे, इसको कुछ कुछ 2-3 इंच की फासले पे मैंने लगा दिए टांके सारे पे, और दूसरे साइड पे मैं लगा रही हूँ ताकि स्क्वायर बन जाएंगे। जितने आप कम रखो या ज़्यादा रखो वो आपके अपने ऊपर भी है डिपेंड। मैंने मुझे ऐसा अच्छा लगा तो मैंने इस तरह बना लिया, लेकिन बहुत ही एहतियात से, यहाँ से बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ेगा क्योंकि कहीं से वो कपड़ा भी नीचे फंस सकता है। जैसे मैंने अभी फंसा दिया कपड़ा, फिर मुझे निकाल के दोबारा मुझे यहाँ से सिलाई करनी पड़ी। और ऐसे मुझसे और भी इसमें एहतियात करने की ये ज़रूरत है कि बाकी आसान है लेकिन इसमें जो सीधे टांका ले जाते हैं ना तो कपड़ा कहीं से खींच कर थोड़ा करवट पड़ जाते हैं, तो उसको भी मैं सोच दिमाग में रखना पड़ता है कि कहीं से ये जल्दबाजी में ऐसे करवट ना बन जाए, बीच में ऐसे हो जाता है। तो ये बहुत ही, जैसे हम बनाएंगे तो एक ही दिन में ये सारी सिलाई ऊपर हो जाएगी, नहीं तो हम जैसे हाथ से लगाएंगे ना तो वो पूरा 15 दिन 1 महीना लग जाता है। ये देखिए पूरी, अभी मैंने पूरी सिलाई कर ली है, अभी भी मैं पीछे से एक एक सिलाई दूंगी, लेकिन अभी मैंने ये पीछे से मुझे खूबसूरत दिखाने के लिए दिखे इसलिए मैंने ये कपड़े की जैसे ट्रायंगल बना के फिर मैं लगा रही हूँ। इसको आप लोग क्या कहते हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आप इसको क्या कहते हैं। हम तो इसको कुंगरी बोलते हैं, जैसे कुंगरी बना के फिर डालते हैं। तो ये रली में कुंगरी इस तरह है कि दोनों कपड़ों को फोल्ड करके फिर बीच में ये कुंगरी बन स्क्वायर वाला, पूरी सारे स्क्वायर एक बराबर काट के फिर उसको बीच में कुंगरी कुंगरी बना के बीच में फंसा के फिर कच्ची सिलाई करनी है। कच्ची सिलाई करने के बाद आप इस पे मशीन की सिलाई पक्की कर देंगे, फिर ये मजबूत हो जाएगा ना, निकलेगा बिल्कुल अच्छे से टिक जाएगा और रली खूबसूरत भी लगेगी हमारी। तो ये देखिए कितना, अब जैसे मैंने इसमें 3 कलर पीछे से दिए हैं, मेरे पास ग्रीन कलर कम था तो मैंने बस ब्लैक ज़्यादा डाला, वाइट और ग्रीन थोड़ा कम रखा क्योंकि वाइट भी मेरे पास इतना था नहीं ज़्यादा, तो मैंने वो ब्लैक ज़्यादा डाल दिया और ग्रीन वाला कम दिया इसमें। जैसे कहीं एक एक दो लेयर 3 लेयर के बाद ग्रीन मैंने डाल दी, तो ऐसे मैंने लेयर नहीं सॉरी वो ट्रायंगल की लाइन से जैसे तो तीन तीन दे के फिर मैंने 3 लाइन दे के फिर मैंने चौथी लाइन पे, और तीन तीन ट्रायंगल मैंने डाले हैं, बड़े बड़े डाले हैं ताकि खूबसूरत दिखे। क्योंकि ये रली इतनी, हमारे यहाँ दोनों टाइप के डालते हैं, छोटी भी कुंगरी देते हैं बड़ी भी कुंगरी देते हैं, एक हम कपड़े पे भी कुंगरी कट वर्क की आती है वो भी लगाते हैं, तो इस तरह बन के बहुत ही एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बन जाती है। ये जैसे कच्चा पूरा चारों तरफ मैं लगाऊंगी, उसके बाद मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि इतनी सारी बनाने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है वो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया है। और बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, आज की भी वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। प्लीज़ गाइस फुल वीडियो देखना क्योंकि ये आप आखिर से लेके, और जिसको भी ये इस तरह की बनानी है वो पार्ट 1 ज़रूर देखे ताकि उसे वो पहले डिज़ाइन बनाना आ जाए, फिर पार्ट 2 देखे उसे अच्छे से फिनिशिंग से बना सकेगा। और फ्रेंड्स जो भी आप लोग देखते हो ना प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें भी खुशी मिले और एक और नई वीडियो बनाने का हिम्मत हो। बहुत ही मेहनत से इस तरह की वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, तो उस पर बहुत टाइम लगता है। ये पक्की सिलाई इस पर हो रही है, अब देखें इसके बाद पक्की सिलाई के बाद ये फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इतनी प्यारी लग रही है, बस देखते ही दिल बहुत खुश हो जाता है कि इतनी मेहनत से चीज़ बनती है, अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहले से जो मेरे फ्रेंड हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट इतनी देर अभी तक कर रहे हैं। मिलती
मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।